हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे वर्कआउट का डे 12 है, मैं खुद ही भूल गई, 12वां दिन है और आज मेरा लेग डे है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं ना एक चैलेंज स्टार्ट करूँगी 75 वाट के साथ साथ ही, और वो चैलेंज ये है कि मैंने सोचा है कि मेरे को ना मिडिल स्प्लिट करना नहीं आता है, तो मैं आज से मिडिल स्प्लिट की 30 डेज की प्रैक्टिस करूँगी। लेट्स सी कि 30 डेज में क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो मेरी नी पेन है, मुझे लेग वर्कआउट करना नहीं है, बट मैं सोची कि जितना होता है उतना तो करा जाए ना, गिव अप करने से क्या होगा, है ना। चलो मेरे साथ बने रहिए। और आज मेरा फास्ट था तो कुछ नहीं खाया, सी जी रही हूँ मैं बिना खाए। चलो हम सॉरी, ऐसे मत बोलिएगा, कर नहीं रहे ज़्यादा, पर नहीं में थोड़ा पेन है जिस वजह से थोड़ा कम कर रही हूँ, कर रही हूँ तो मेरे साथ बने रहे। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा 75 हार्ड डेज के साथ साथ मैं एक और चैलेंज स्टार्ट करती हूँ, देखो मिडिल स्प्लिट आता नहीं है। मैंने फ्रंट स्प्लिट सीखा था, मेरी हिप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है, तो मैंने सोचा कि अपने आप को फ्लेक्सिबल भी कर लेती हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि मेरे नी में थोड़ा पेन है तो वर्कआउट अच्छे से कर नहीं पा रही। तो मैंने सोचा लेग वर्कआउट में मैं अपने स्ट्रेचेज ऐड करती हूँ और मिडिल स्प्लिट की तैयारी करती हूँ। मेरा ड्रीम है योगा करना, तो मैंने खुद को गोल दिया। चलो 30 डेज में देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ, देन आई विल शो यू माई रिजल्ट्स। ओके वेट, लेट मी शो यू। तो मिडिल स्प्लिट करने के लिए पहले तो हम स्ट्रेचिंग करेंगे 1 मिनट की, जो बेसिकली फ्रंट स्प्लिट का लगता है। सो चलो शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कर चुकी हूँ फॉर द डे। ये मेरा डे 1 था स्प्लिट का। आप देख ही रहे कि मिडिल स्प्लिट कितनी आती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी, ऊपर से नींद में पेन है। तो चलो देखते हैं बिफोर आफ्टर क्या होगा, क्या रिजल्ट रहेंगे। अब तो फ्लेक्सिबल तो करना ही है। आई एम हैप्पी कि मेरा कंप्लीट हो गया। नी पेन था, मुझे लगा नहीं था स्ट्रेचिंग कर पाऊँगी, बट हो गया। तो
तो बस अगर आप लोगों का नी पेन होता है। चलो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, आई होप यू हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, ग्रेट नाइट एंड शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।